हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे SSF न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसकी आवेदन बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम SSF न्यू रिक्रूटमेंट 2024 पोस्ट नेम एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो पोस्ट नेम आपको कॉन्स्टेबल GD के लिए भर्ती देखने को मिल जाएगी। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है यानी CBT, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST देना है, उसके बाद फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट यानी PET देना है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हमें देना है, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर हम SSF GD कॉन्स्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले पोस्ट नेम GD कॉन्स्टेबल की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 23 साल तक रखी गई है। यानी 18 साल से लेकर 23 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम SSF GD कॉन्स्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 रेस यानी दौड़ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 5 किलोमीटर रेस इन 24 मिनट्स, यानी मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 24 मिनट टाइम दी जाएगी। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रेस इन 8.30 सेकेंड्स, यानी फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, 8 मिनट 30 सेकेंड टाइम दी जाएगी। अगर हम SSF GD कॉन्स्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 फिजिकल रिक्वायरमेंट टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम चेस्ट की बात करें ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 80 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड और एन एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर रखी जाएगी। अगर हम हाइट की बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 170 सेंटीमीटर, चेस्ट की बात करें SC ST के लिए तो 75 सेंटीमीटर, और हाइट की बात करें SC ST कैंडिडेट्स के लिए तो 162 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर हम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो हाइट की बात करें 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट रखी गई है। अगर हम SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 150 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर हम SSF न्यू रिक्रूटमेंट 2024 डिटेल चेक करें तो सबसे पहले अगर हम नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC की तरफ से यह वैकेंसी निकाली जाएगी। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो हमारी वैकेंसी BSF, CISF, ITBP, CRPF, NCB, SSF, असम राइफल के लिए भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7000 प्लस भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन की बात करें तो 27 अगस्त 2024 को आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। अप्लाई स्टार्ट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट आपको 5 अक्टूबर 2024 को देखने को मिल जाएगी, यानी 5 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट कर दी जाएगी। लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें तो लास्ट डेट टू अप्लाई अभी कमिंग सून पे रखी गई है। जैसे ही इसकी लास्ट डेट अपडेट की जाती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। ऑफिशियल साइट के लिए आप ssc.nic.in पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप भी SSF GD कॉन्स्टेबल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है, जहां जाकर आप इसकी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।